ऐसे ही लोग इतना सारा कुछ रख के जाते हैं, सोफाज वगैरह भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरे फ्रेंड्स को मिला था क्रिसमस डेकोरेशन पूरा का पूरा पैक्ड। मेरी सोसाइटीज के बाहर 3 बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान ऑलमोस्ट मुझे हर बार दिखते रहता है। Hey guys, hello and welcome back to this channel. This is me, Manu Mangani, your boss girl. आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने लाई है एज अ स्टूडेंट। कैनेडा में कल्चर इतना अच्छा होता है कि जो भी चीजें लोग यूज नहीं करते हैं वो सिंपली बाहर अपने घर के रख देते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मुझे मिले हैं, एक बार मैं आज जाऊंगी वो भी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे। बट मैंने अब तक क्या क्या मेरे घर पे लाया है हंट करके, जो बाहर के फर्नीचर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें फ्री में लाई है, सो मैं वो सब शेयर करना चाहती हूँ। एंड ऑनेस्टली कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स में लिखेंगे कि यही तुम करने गए थे कैनेडा, ये वो। इट्स नथिंग अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप स्टूडेंट लाइफ में अपने पैसे कैसे बचा सकते हो, और अगर चीज़ें लोग रख रहे हैं तो आप हाइजीनिक चीज़ें कैसे उठा के यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ फर्नीचर डेफिनेटली मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी, जैसे मैट्रेस वगैरह रखी होती है तो डेफिनेटली नॉट। बट कुछ चीज़ें जो कि आप यूज़ कर सकते हो जो कि हाइजीनिक भी होती हैं और न्यू दिखती हैं, सो आप जस्ट ले लेते हो, सो वाई नॉट। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर एज अ स्टूडेंट आओगे तो आपको भी ये कैसे एक्सपीरियंस करने मिलेगा और कैसे आप जुगाड़ कर सकते हो, क्योंकि हम इंडियंस तो जुगाड़ करते ही हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट टाइम एक टेबल देखा था जो कि ऐसा था, वो हम थोड़े से लेट हो गए, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला भी कि उठा लो, इट्स गुड, जो कि मेटल और मिरर का था तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट हमारे हाथ में इतने शॉपिंग बैग्स थे तो वो हमसे छूट गया, रह गया। तो मैं क्या करती थी, नेक्स्ट डे से मैं अकेले निकलना स्टार्ट कर दिया कि ओके मुझे तो चाहिए, मैं तो जाके ला रही हूँ। सो मैंने बहुत कुछ हंट किया, ये 3 डेज में मैंने कम से कम 6 चीज़ें लाई होंगी, एक रात में ऐसे 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। सो मैं काम से थक के आने के बाद भी मुझ में ऐसा था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ, यू नो, घर पूरा खाली है, हमने अभी अभी लिया है, सो कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं। सो चलो दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने लाया है। सबसे पहले तो मैं बैल्कनी में ही हूँ, सो हमने बैल्कनी में एक चेयर रखी है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट और अच्छी है। इट्स लाइक अ बार चेयर एंड इट इज़ वेरी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे चेयर्स काफ़ी ज़्यादा आईकिया वगैरह में एक्सपेंसिव मिलती है। सो ये चेयर हमने लाई है, मैं अकेली निकल गई थी और फिर मैंने इनको कन्विंस करके बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, डोर वोर खोल दो, मैं ही उठा के 1-2 सामान ले आई। एंड या ऐसे ही करके घर में सामान बनता है, और पीछे भी बहुत सारा सामान है। सो ये है वो वाली चेयर जो हमने बालकनी में रखी है, एंड इट इज़ वेरी गुड, यू कैन सी, साफ़ सुथरी अच्छी सी है। ऑब्वियसली हम भी घर पर ला कर चीज़ें पहले साफ़ करते हैं। एंड देन मैं जब सबसे पहले गई थी तो मैंने सबसे पहले यही लाया था, डस्टबिन, एंड इट वॉज़ लाइक ब्रांड न्यू बाहर पड़ा था, एंड इसको साफ़ सुथरा करके अभी हम यूज़ करें, एंड इट इज़ वर्केबल। डस्टबिन खोल के तो नहीं दिखाना चाहिए, बट इट इज़ रियली गुड। एंड देन जो दूसरी चीज़ मैंने लाई थी इंडिविजुअली वॉज दिस शॉपिंग कार्ट, जो कि आप इसको ऐसे उठा सकते हो, इसमें सामान भर सकते हो, एंड जस्ट ऐसे स्क्रोल करना होता है सो दैट आपको वेट नहीं उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मैं शॉपिंग कार्ट की बात करूँ, इसके एक दिन पहले ही मैं फेसबुक मार्केट पे देख रही थी शॉपिंग कार्ट्स कितने की मिल रही हैं सेकेंड हैंड में, एंड मेरे फ्रेंड ने $5 में एक ली थी, बट मुझे उतने भी नहीं देने पड़े, और ये तो मेटल की है सो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसने क्लॉथ वाली ली है, ये तो हमें फ्री में ही मिल गई। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल जब हैवी सामान लाना होता है, सो इसको जस्ट ऐसे करके यूज़ करके आराम से सामान ला सकते हैं इसमें। देन इस खाली हॉल में डेफिनेटली एक टेबल की कमी थी, जो कि मैं डेफिनेटली ढूंढ रही थी कि कोई टेबल मिल जाए स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में तो नहीं मिला, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवेबल, इसमें व्हील्स लगी हुई है, सो हमें ये भी मिला। और इसको लिटरली कैसे तो भी घिसका घिसका के, ये है वो वीडियो, ऐसे रात को घिसका घिसका के मैं लिटरली ला रही थी, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टील है। सो ऐसे ही बाहर आप भी जाके हंट कर सकते हो, मोस्टली मंडेज़ और ट्यूसडे को रखते हैं लोग बाहर, बट मैं कोई भी डेज पे चली जाती थी लिटरली, एंड कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि कितनी चीज़ें ख़राब भी टूटी हुई पड़ी होती हैं, बट कितनी चीज़ें अच्छी हैं जो डेफिनेटली यूज़ हो सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं जो स्क्रैप और ये सब सामान खुद लेके फेसबुक मार्केट पे बेचते हैं, ये सब हम आगे जाके करेंगे, बट पहले खुद का तो घर हम भर लें। सो लेट मी शो यू द टेबल, दिस इज दैट टेबल, आप देख सकते हो इट इज़ सो गुड, लाइक अभी हमने पूरा साफ ऑफ करके रखा है, एंड इट मूव्स, मतलब इस पर व्हील्स वगैरह रखे हैं, दिस इज़ आई कॉन्ट बिलीव कि हमें टोटली फ्री में मिला है। यहाँ पर लोगों को TVs वगैरह भी मिलती है, और ये कल रात को लाया, लाइक ये मैंने परसों रात को लाया था,
एंड ये लिटरली मैं अपने फ्रेंड के घर से आ रही थी, उसके बिल्डिंग के नीचे ये दो रखी हुई थी एंड उनने प्रेस खरीदी थी। एंड फिर हमने सोसाइटी में जाके ना स्विच पे डाल के इसको चेक किया कि इतना लेके जाना चाहिए कि नहीं इसको घर पे, बिकॉज दिस शुड वर्क राइट। तो इट वॉज परफेक्टली वर्किंग, और एक नहीं लिटरली दो दो कोई प्रेस रख के गया था, इट्स लाइक अ स्टीम प्रेस। एंड ज़रूरत तो थी इसकी डेफिनेटली, एक के बदले दो दो मिल। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, परफेक्टली टेम्परेचर भी चेक किया था इसका। सो या इट वॉज अ गुड स्टील, आते आते ढूंढ भी नहीं रही थी फिर भी दिख गई, और मेरे फ्रेंड ने बोला लेके ही जा, क्या जरूरत है न्यू लेने की, क्योंकि उन्होंने $33 की ली थी जो कि एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट लाइफ में मैनेज करना। सो या दो अच्छी अच्छी प्रेसेस गाइस। जब मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लोर कर रही थी, लाइक मैंने तीन रात अभी अभी स्टार्ट किया है चीज़ें हंट करना, जस्ट यू नो मेरी सोसाइटीज़ के बाहर तीन बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान ऑलमोस्ट मुझे हर बार दिखते रहता है, सो कुछ अच्छा दिखता है तो ले ही आती हूँ। सो मैं जब दूसरी बार गई थी तब मुझे ये मिला था नोटिस बोर्ड, लेट मी शो यू, इट इज़ सो ब्रांड न्यू। और एक और लैपटॉप टेबल है वो तो एकदम न्यू लगता है, सो लेट मी शो यू, क्योंकि मुझे विजन बोर्ड हमेशा से बनाना था एंड दिस वॉज लाइक कि मैंने जो सोचा मुझे मिल गया वैसे वाला, क्योंकि मैं बहुत कुछ प्रिंट करा गई थी। सो लेट मी शो यू। सो या दिस इज दैट, ये है वो नोटिस बोर्ड, इसमें लिटरली पिंस विंस सब लगी हुई थी। सो मैंने अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स जो भी लाई थी, और फिर भगवान जी की फोटो, एंड आप वुड भी देख सकते हो, इट इज़ सो गुड। ऑब्वियसली आप चेक करना कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है, इट वॉज रियली गुड विथ क्वालिटी। सो मैंने ये अपना विजन बोर्ड इसको बनाऊंगी अच्छे से, अभी तो जो था वो लगा दिया है, बट इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, सो आई एम रियली ग्लैड कि ये मिल गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जिसको आप देख के अच्छा फील करो। सो ये हमने हमारे रूम में रखा है, दिस इज़ द लैपटॉप टेबल एंड यू कैन सी द वुड लुक सो क्लियर एंड इट इज़ लाइक द ब्रांड न्यू वन। आई एम रियली ग्लैड ये मिला, क्योंकि ऐसे स्टडी स्टेशन टाइप चाहिए जब आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, यहाँ पे कनाडा में असाइनमेंट्स बहुत होते हैं। सो या ये भी हमें मिला। एंड गाइज यू कैन सी फॉल के कलर्स दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं जब भी काम से आती थी ना तो मुझे कलर्स दिखते ही नहीं थे, क्योंकि मैं अंधेरे में ही हमेशा आती थी मेरे घर के बाहर, बट इट फील्स सो ब्यूटिफुल, और ऐसी शाम की वॉक्स इवन आई एम क्रेविंग। आपको वो स्पॉट भी दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कैसे आपको फर्नीचर्स दिखते हैं, बट ऑब्वियसली जो मैं दिखाऊंगी वो हाइजीनिक वाले हो नहीं हो, वो ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं, बट उसमें से आप अच्छी चीज़ें कैसे ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं जस्ट स्पॉट्स दिखाना चाहती हूँ कि कनाडा में बिल्डिंग्स के नीचे कैसे क्यूरेटेड होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपना फर्नीचर्स के जुगाड़ कर सकते हैं। सो वी विल गो देयर एज वेल। एंड दिस इज़ द बैक व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यहाँ के पेड़ ऑलरेडी, सो गुड। सो गाइज आपको जस्ट एक डेमो देना था, इतना व्लॉग में दिखा दिया मैंने अपने अपने घर पे क्या क्या लाया है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि मैट्रेस या फिर ऐसा कुछ आप लो जिसमें यू नो बग्स या फिर कुछ हो, बट ऐसे ही लोग इतना सारा कुछ रख के जाते हैं, सोफ़ाज़ वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, बट आई डोंट नो, सोफ़ाज़ वगैरह गंदे भी हो सकते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छा दिखे तो भी वो बिलीवेबल नहीं होता है कि कोई अच्छा क्यों छोड़ के जाएगा। सो एनीवेज हमने टेबल और जितनी भी क्लीन चीज़ें होती हैं, चेयर हो गई जो जिसपे कुछ गद्दा वगैरह नहीं है, कुछ फोमिंग नहीं है, तो वो हम लेके आते हैं। सो ऐसे ही हम लोग एक दो बिल्डिंग्स और चेकआउट करते हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और अगर आप भी एज अ स्टूडेंट आ रहे हो कैनेडा में, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू एज वेल इन योर इनिशियल डेज। ये तो लिटरली 6-7 चीज़ें थी जो हमने लाई थी। मेरे फ्रेंड्स को मिला था क्रिसमस डेकोरेशन पूरा का पूरा पैक्ड, तो मैं तो अभी सोचती हूँ कि अभी तो सीज़न भी नहीं है, लोग अभी क्रिसमस और जब इवेंट्स वगैरह, जब फेस्टिव सीज़न आएगा यहाँ पे, तो कितनी चीज़ें लोग अपनी यू नो क्लीनिंग में न्यू न्यू फर्नीचर्स निकालेंगे, तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं एज अ स्टूडेंट जुगाड़ करूँगी। एंड इट्स नॉट अबाउट कि एज अ स्टूडेंट आप इस ये चीज़ आपको करनी पड़ती है, मैंने कितने किस्से सुने हैं जहाँ पे लोगों को फ्री फ्री टीवीज़ भी मिली है, मिक्सर्स भी मिले हैं क्या क्या, और यहाँ पे फेसबुक मार्केट पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सेकेंड हैंड में अच्छी मिल जाती हैं, बट वो आपको जाके उनके लोकेशन से लाना पड़ता है, और यहाँ पे सब कुछ बहुत दूर है, तो दैट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर यू। तो जब हम भी अमीर हो जाएंगे तब हम भी अपने घर के बाहर ऐसे अपना न्यू न्यू फर्नीचर रखेंगे कि ठीक है एक दिन हमने लिया था, अब हमारा टाइम आ गया देने का, तो वेटिंग फॉर दैट डे। एंड अभी तो बहुत कुछ लाना है, अभी तो 3-4 दिनों में मैंने इतना कर लिया, तो मैं खुशी में ये ब्लॉग डाल रही हूँ कि दिस इज़ हैपनिंग टू मी, कि मैं चीज़ें अच्छी खासी क्यूरेट कर रही हूँ घर पे। सो ये आप भी कर सकते हो जब आप एज अ स्टूडेंट आओगे, क्योंकि मैंने भी किया, ट्राइड एंड टेस्टेड, और डेफिनेटली हाइजीनिक है, क्लीन करके ही उसको लाना,
एंड यूजेबल डेफिनेटली है. इनफैक्ट यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड हैंड नहीं खरीदती, बट यहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो सेकेंड हैंड में खरीदते हैं वो भी अच्छे खासे निकलते हैं. सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट एंड मेक श्योर अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट मी नो कैसा लगा ब्लॉग. ओके बाय.